बजरंग जय श्री राम। हाँ भैया, कितना पैसा हो गया? 150। अभी तो कितना साफ सुथरा लग रहा है, 4 दिन बाद सब कुछ गंदा हो जाएगा। क्या क्यों? अरे मुसलमानों का त्यौहार आ रहा है ना बकरीद, उसमें क्या करते हैं, गर्दन अलग, गोश्त अलग, दिल, फेफड़ा, कलेजी सब अलग, पेट अलग, सिर्फ साले खा के हाथ धो के फारिग हो जाते हैं। बोलिएगा मत किसी को, दंगा हो जाएगा। खैर हम जा रहे हैं अपने दोस्त के पास, दावत दिया है, पता नहीं कहाँ बोला है सरप्राइज देंगे, जा रहे हैं सरप्राइज देने। ओके अरे राम राम, कितना पानी है सड़कों पे। और ले आया आखिरकार तुम भी बगरा? हाँ वो तो लाना ही था, ईद में 4 दिन रह गए, इंशाल्लाह इसको हलाल करेंगे। अरे शेर शेर यार, हम तुमसे एक बात पूछें? पूछो। काफी दिनों से हमारे मन में थी लेकिन हम पूछ ना सके, क्या कि हमें लगा कि हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। ये जो तुम मुसलमान साला लाखों जानवरों को बेरहमी से कत्ल कर देते हो, इससे क्या मिलता है तुम लोगों को? हंस क्यों रहे हो? हसन बेटा, उसको आप जरा वहां लेके जाओ, वहां बांध दो। देखो रवि, पहले मैं तुम्हारा ये कत्ल और हराल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो बात तो एक ही है ना, बकरे की गर्दन पकड़ के यू 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 करके काटना या हलाल करना, हुआ तो बकरे का कत्ल ही ना। जब किसी को कत्ल करते हैं ना तो उसको मार के उसकी लाश को फेंक देते हैं, और जब हम किसी को हलाल करते हैं ना तो एहतराम से उसका गोश्त खाते हैं, उसको मार के फेंकते नहीं है। फर्क है कत्ल में और हलाल में। वाह प्रभु, बहुत अच्छा बात बोले हो। और जो उस बकरे की जान ले ली तुमने, वो जान तो तुम भी ले लेते हो। वो बकरे को गला काट के, उसको रख के, उसके ऊपर से गुजर के, वो बकरे की बलि चढ़ा के, और उसको फिर खाते भी नहीं हो, मार के फेंक देते हो। तो फिर वो तो तुम लोग भी करते हो, काले बकरे का सदका देने के चक्कर में उसको काट देते हो। हाँ पर तब भी उस हफ्ते के बकरे का गोश्त मुस्ताइक को देते हैं। हाँ। तो वो जाके फेंक देता होगा? फेंकता नहीं है, वो मुस्ताइक गोश्त खाता है और खा के हमें दुआ देता है, उससे हमें सवाब मिलता है। वो तुम्हारी जबान बोलते हैं ना, पुण्य मिलता है, पुण्य। पर यार साजिद, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये मासूम जानवर की हत्या करना। तो फिर तुझे इस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों, कहीं नहीं बैठना चाहिए, हमारी कुर्सी है। और सिर्फ ये कुर्सी नहीं, ये तुमने बेल्ट बांधी हुई ना पैंट में, ये तुमको नहीं लगानी चाहिए। अबे तो उसको उतार के नंगा घूमे। क्योंकि भैया रवि, ये कुर्सी लकड़ी से बनाई गई है, और ये लकड़ी कभी ना कभी किसी पेड़ का हिस्सा होगी, इसका कत्ल करके, काट के, शेप दे के इसको बनाया गया। अबे तो कत्ल क्यों बोल रहे हो भाई? क्योंकि वो पेड़ भी जानदार में शुमार होता है, और ये जो बेल्ट पहनी ना आपने, ये बेल्ट भी कभी ना कभी किसी जानवर की चमड़ी थी, इसको उतार के, काट के, सुराख करके आपको दिया गया, और आपने उससे अपनी इज्जत बचाई हुई, इसको पहनना छोड़ दीजिए आप। और जो सर्दी में तुम लिहाफ और कंबल में घुस के ऐसे सर्दी इंजॉय करते हुए सो रहे हो, तो ना मत सोया करो, बाहर सोया करो ऐसे करके। वो तो जरूरत है ना, तो जरूरत की चीज है ना, वो भी किसी ना किसी जानवर की खाल है, जिसको कत्ल करके, खाल उतार के, शेप दे के, डिजाइन करके तुमको दिया गया है। देखो यार अभी मेरी बात सुनो, इस दुनिया में ना हर चीज हम इंसानों के लिए बनाई गई है, मानते हैं। इस दुनिया में हर मजहब के लोग रहते हैं, मानते हैं। और अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हम इंसानों के रहने के लिए ये जानवर, चरिंद, परिंद, ये चीजें खल्क की हैं, खल्क की है मतलब बनाई, और हमें चाहिए कि हम इनसे फायदा उठाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बनाई है। इसमें से कुछ जानवर हमारे खाने के लिए बनाए गए और कुछ जानवर खुद जानवरों के खाने के लिए बनाए गए। अब हमें चाहिए कि हम उसको खाएं, अपना प्रोटीन पूरा करें। हाँ तो मेरी खाना मत खाओ, लेकिन उसका बुरा नहीं बोलो। ये सारे किसान खेतों में टाइम पास कर रहे हैं क्या? इतना अनाज उगता है वो खाओ ना, जानवरों से क्यों खुराक लेते हो बे? उनको जीने दो सुकून से। तो तुम भैंस का दूध क्यों पीते हो बे? क्या भैंस के पेट से पैदा हुए थे? पीते हो ना, पीते हो? हाँ पीते पीते पीते, सही पीते हो, पियो, तुम्हारा हक है, तुम्हारे लिए बनाया गया है, पियो, प्रोटीन लो, कैल्शियम लो। अच्छा ठीक है, पर एक तो समस्या है, हलाल क्यों करते हो? भाई भाई तू सब भूल गया, तू सब भूल गया, तू जहाँ पे था प्रेशर मत, सब भूल गया, सब भूल गया। तो बात बता, अब हम मुसलमान हर साल लाखों करोड़ जानवर ज़िबा कर देते हैं,
तो ठीक दूसरे साल इतने जानवर कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते? सोचा है कभी? सोचा है? नहीं नहीं। अब जरा सोचो, अगर हम मुसलमान कुर्बानी करना छोड़ दें तो इस दुनिया में इतने जानवर होंगे कि तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, और तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे मुंह पे बकरे गायें ऐसे खड़ी होंगे और आपस में बात कर रहे होंगे। वो बोलेंगे, ये कौन है वे अजीब शक्ल वाला, ये हमारी जमीन पे क्या कर रहा है? साजिद भैया, तुम्हारी बात तो हमें कुछ कुछ समझ आ रही है, पर एक बात कहें वो हमको बहुत बुरा लगता है। हो गया, वो जो तुम लोग जानवरों का गला काट के उनकी वीडियो बना के फेसबुक पर पोस्ट करते हो ना, वो कहाँ की इंसानियत है? हाँ यार, ये बात तो ठीक कह रहा है, मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ इस बात में। और हमारे यहाँ सब नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भाई हैं जो ये ज़िबा करने की और हलाल करने वाली खून रेजी वाली वीडियो सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे लगा देते हैं फ़खर से, और फ़ख्र कर रहे होते हैं। देखा कैसे नरखाने से पिचकारी भेरी थी, ये ऊँची ऊँची पिचकारी आ रही थी, मैं तो पहले ही कह रहा था बहुत ताकतवर है, देखो अब तक टांगे हिला रहा। तो ये सब बोल के ना खुश हो रहे होते हैं, और इन्हीं वजूहत की बिना पे हमारा जो ये बकरीद का त्यौहार है ना, ये बताऊँ मैं मुसलमान हूँ और मैं खुद ये कहता हूँ कि ये अखलाकी तौर पे ठीक नहीं कि आप किसी भी जानवर को ज़िबा करते हुए उसकी वीडियो बना के इस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, ये गलत है। तो ज्ञान दो ना अपने लोगों को। नहीं खैर, काफ़ी हद तक लोगों की बात समझ में आ गई है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा इंशाल्लाह। साजिद भाई, मुझे बकरा भूखा लग रहा है। भूखा लग रहा है, चलो उसके लिए खाना लेके आते हैं। खैर भाई, नेक्स्ट वीक मेरी दावत है और आपको आना है। हाँ जरूर, पर खाने में क्या है? यही बकरा। क्या? चलो यार तुम बैठो, मैं जरा बॉरेट लेके आ रहा हूँ, फिर जाके इसके खाना लेके आते हैं। अरे नहीं, हमारे पास पैसे हैं, चलो। तेरे पैसों पर? हाँ, तो हमारे पैसों से खा लेगा तो हराम हो जाएगा। चलो चलो।